फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी तीन पत्ती AAA ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको भी ऐप में बैंक अकाउंट ऐड करना है तो कैसे आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको विड्रॉ पर क्लिक करना है। सबसे नीचे विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, विड्रॉ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है, एक तो UPI और दूसरा बैंक का। ठीक है, बैंक पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, यूजर नेम डालना है जो भी आपके अकाउंट नंबर में है, आपको जो भी आपके बैंक के पासबुक में वो नाम डालना है, और बैंक नेम डालना है, जो भी आपका बैंक का नेम है वो डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद जो है आपको IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद जो है आपको ब्रांच नेम डालना है, ईमेल ID डालना है, आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, आपका बैंक अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा। तो आप इसी तरह से बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।